रायगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें संजय श्रीवास्तव ने नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने कहा कि खाद बीज का सही समय पर वितरण और बाजार समेत कई बातें हैं जिनसे किसानों की आय 2020 तक दोगुनी होगी। वहीं भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जनता में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है, सरकार पटरी से उतर चुकी है। जनता को एक छलावा दिया था और जनता के साथ में आपने विश्वासघात किया। केवल सरकार बनाने के लिए आपने तमाम प्रकार के वादे किए, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, या फिर संपत्ति का राधा करने की बात करें, और यहां तक कि जिन किसानों के बारे में आप बात करते हैं कि किसानों के हितों के रक्षक आप हैं, उन किसानों के पेट पर लात मारने का काम और विश्वासघात करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है उपलब्धि नहीं, यही विश्वासघात इस सरकार के 2 साल का फल है।